मतलब हम DSNL को स्टार्ट करते हैं, एक महीना करा मजा नहीं आया छोड़ दिया, फिर वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करा एक महीना करा छोड़ दिया। यार ऐसे नहीं सीखते प्रोग्रामिंग, किसी भी चीज में अच्छा बनना है 5 से 6 महीने देने पड़ेंगे, चाहे हमसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हो नहीं रहे क्वेश्चंस लगे हुए हैं, बेफालतू का टाइम वेस्ट कर दिया और बने नहीं अच्छे। यार जरूरी नहीं है कि हर कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अच्छा हो, हो सकता है कोई वेब डेवलपमेंट में अच्छा हो, कि अलार्म खुद लगाना होगा कि मैं इस टाइम पे उठूंगा, इस टाइम पे ये करूंगा, फिर मैं शाम को ये करूंगा। दिस इज वॉट यू नीड टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, कानों में गाने चल रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, यार ऐसे थोड़ा मजाक थोड़ा चल रहा है, हमें लर्निंग फोकस से करनी पड़ती। हाय, माइसेल्फ पारिक हियर। सर इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ 5 ऐसे बिगेस्ट रीजंस जिसकी वजह से शायद हम अच्छे से कोड करना नहीं सीख पाते या हम ग्रेट प्रोग्रामर नहीं बन पाते, है ना। तो बेसिकली ग्रेट प्रोग्रामर बनने के लिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना होता है एंड ये गलतियां नहीं करनी होती। एंड मैं ऐसी 5 चीजें बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस से, दूसरों के एक्सपीरियंस से, जो मैंने उनसे सुना है। सो स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो, तुम्हें अच्छे से समझ में आने वाला है कि क्या गलतियां हमें नहीं करनी। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीजन इज कि यार हम ना एक चीज पे स्टिक नहीं करते फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है जो ऐसे एकदम से एक महीने में नहीं आएगी, कोई भी तुम्हें न्यू स्किल सीखनी है अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। मतलब हम DSNL को स्टार्ट करते हैं, एक महीना करा मजा नहीं आया छोड़ दिया, फिर वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करा एक महीना करा छोड़ दिया। यार ऐसे नहीं सीखते प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में हर स्किल सीखने के लिए, अगर तुम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीख रहे हो तो 5 से 6 महीने अब छोड़ दो बाकी सब कुछ। अब मैं केवल डेटा स्ट्रक्चर से एल्गोरिथम सीखूंगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से करूंगा, हर कॉन्सेप्ट एरे स्ट्रिंग्स लिंक्ड लिस्ट हर टाइप के क्वेश्चंस करूंगा। तो मतलब 5 से 6 महीने देने पड़ेंगे, एक महीने में नहीं सीखने वाले हो, इतना स्टड नहीं हो तुम, राइट। हमें अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा उस DSNL को सीखने में। सिमिलरली अगर तुम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो ऐसा नहीं है 1-1.5 महीने में हो जाएगा। यार मैंने पूरा बना भी रखा है कि भाई 5 से 6 महीने लगते हैं, शुरू के 3 से 4 महीने लर्निंग पे जाते हैं और 2 महीने हमारे प्रोजेक्ट बनाने पे जाते हैं, तभी तो जाके वो इफेक्टिव लर्निंग होगी, तभी तो जब हम बोल पाएंगे कि हम एक फुल स्टैक वेब डेवलपर हैं। 1-1.5 महीने में कोई नहीं रेडी होता। सिमिलरली ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हो तो अच्छे से 5-6 महीने लगा के आप ऐप डेवलपमेंट सीखो। मशीन लर्निंग सीख रहे हो तो 5 से 6 महीने लगा के सीखो, 3 महीने सीखो, 3 महीने प्रोजेक्ट बनाओ। दिस इज हाउ यू लर्न इन प्रोग्रामिंग। कोई भी नई स्किल सीखनी है हमें उसको ज्यादा टाइम तक लगना पड़ेगा, ज्यादा टाइम तक लगे रहना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छे प्रोग्रामर बन पाएंगे, तभी हम शायद DSNL को में अच्छा कर पाएंगे, तभी हम शायद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अच्छा कर पाएंगे, तभी हम शायद ऐप डेवलपमेंट में अच्छा कर पाएंगे। किसी भी चीज में अच्छा बनना है 5 से 6 महीने देने पड़ेंगे। तो अपने दिमाग में रखना यार, जल्दी नहीं मचानी है, टाइम लगेगा बट बहुत अच्छे बनोगे। तो यार नेक्स्ट पॉइंट इज कि हम ना बहुत ज्यादा जॉब ओरिएंटेड डिसीजंस लेने लग जाते हैं। मतलब हम एग्जांपल देखते हैं, यार इस बंदे ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करी और गूगल में चला गया, अब उसी के पाथ पे फॉलो करने लग जाते हैं, चाहे हमसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हो नहीं रहे क्वेश्चंस लगे हुए हैं, बेफालतू का टाइम वेस्ट कर दिया और बने नहीं अच्छे। यार जरूरी नहीं है कि हर कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अच्छा हो, हो सकता है कोई वेब डेवलपमेंट में अच्छा हो। और देयर आर टन्स ऑफ एग्जांपल्स जिन्होंने वेब डेवलपमेंट से स्टार्टअप में ज्वाइन करा और बहुत सही कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। नाउ यू नीड टू डिसाइड तुम किसके लिए बने हो। ऑब्वियसली DSNL को सबको करना है, वो तो मस्ट है, बट जो नेक्स्ट है वी नीड टू डिसाइड हमारा किस में इंटरेस्ट है। हमारा शायद ऐप में इंटरेस्ट हो, हमें शायद एल्गोरिथम्स ऑफ मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट हो, हमें शायद वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो, शायद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट हो, किसी में भी हो सकता है, बट हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अब उसको बहुत ज्यादा जॉब ओरिएंटेड मत सोचो, बिकॉज जॉब्स हर चीज में है, बस अच्छे लोग नहीं है। कोई भी चीज तुम चुनोगे उसमें तुम्हें अच्छा करना पड़ेगा। वेब डेवलपमेंट में अच्छा करने का मतलब है कि हमें वेबसाइट बना के लाइव करना होगा, उसमें यूजर्स लाने होंगे, वो कितना इंपैक्टफुल है यार। तुम किसी कंपनी में अप्लाई करो, वो बोलोगे भाई बंदे ने वेबसाइट बना रखी है, राइट। दीज आर द थिंग्स वी नीड टू डू। हम बहुत ज्यादा जॉब ओरिएंटेड नहीं सोच सकते। अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, ऑब्वियसली किसी में ज्यादा है किसी में कम है, बट अगर तुम अच्छे हो, तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज अपने पास आएंगी। तो DSNL के बाद थोड़ा सा सोचो कि मुझे किस फील्ड में करना है, और उसको बहुत ज्यादा जॉब से रिलेट मत करो। थोड़ा सा अपने आप से बात करो, यार मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग में उतना तगड़ा था DSNL में, अगर नहीं था तो क्लियर है ना यार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं बनी है फिर अपने लिए। फिर अपने आप से पूछो कि यार मेरे को वेबसाइट बनाने में इंटरेस्ट आता है क्या, कि इसके पीछे कैसे चलती है चीजें, या ऐप में मेरे को थोड़ा एक्साइट करता है। जैसे पर्सनली मुझे ऐप बहुत ज्यादा एक्साइट करी है ना, तो मैंने ऐप डेवलपमेंट पहले करी। तो कुछ भी हो सकता है, बट तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हें कौन सी चीज एक्साइट करती है, एंड दैट्स हाउ यू विल टेक डिसीजन, और फिर तुम्हें मजा आएगा प्रोग्रामिंग में।
जिस दिन तुम्हें मजा आने लग जाएगा ना चीजों में, अपने आप जॉब्स आएंगे। बट वो फन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम कर रहे हो उसमें मजा आना चाहिए और जॉब्स अपने आप आएंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यार जब भी हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हमें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना होता है। ऐसे नहीं है अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हें कोई उठा रहा है सुबह कि यार आज तेरे को ये करना है। तुम्हें अपना प्लान खुद बनाना होगा, कोई तुम्हें बना के नहीं देने वाला, कोई स्पून फीडिंग नहीं करेगा कि यार आज तुझे ये करना है कल तुझे ये करना है, कोई बना के नहीं देगा। तुम्हें खुद से प्लानिंग करनी है। अगर तुमने 6 महीने DSNL को डिसाइड कर लिया है तो नाउ वी नीड टू नो कि हम इस महीने में इस दिन पे क्या क्या करेंगे, और एक प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। और वो प्लान कोई नहीं बनाएगा, तुम बनाओगे। तुम्हें अपनी पेस पता है, तुम्हें खुद से पता है कि तुमसे एक दिन में कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो पाते हैं, तुम्हें पता है तुम रात को प्रोडक्टिव होते हो या सुबह प्रोडक्टिव होते हो, तुम्हें पता है कि यार मेरे को वेबसाइट शायद जब मैं डेवलपमेंट करूंगा तो DSNL को भी मैनेज करना है, तो मैं सुबह प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और शाम को वेबसाइट पर काम करूंगा। द ओनली थिंग इज कि तुम्हें पता है, उसमें कोई कंपैरिजन दूसरे से नहीं होगा। और तुम्हें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना होगा कि अलार्म खुद लगाना होगा कि मैं इस टाइम पे उठूंगा, इस टाइम पे ये करूंगा, फिर मैं शाम को ये करूंगा। दिस इज वॉट यू नीड टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ, है ना। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें सब कुछ प्लानिंग पता है, तुम्हारे अंदर से सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे 6 महीने में DSNL को अच्छा करना है, फिर मुझे 6 महीने वेब डेवलपमेंट अच्छा करना है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा। सब चीजें अवेलेबल है, राइट, हमें पता है कैसे करना है, बट करना हमें ही है, हमें वो डिसिप्लिन फॉलो करके हमें फोड़ना है उसके अंदर, राइट। तो अपनी लाइफ में सेल्फ मोटिवेशन खुद लाना पड़ेगा। ऑब्वियसली सी मोटिवेशन वीडियोस, कभी कभी बैड डेज आएंगे, बट तुम्हें खुद से होना चाहिए अंदर कि मुझे ये करना है, तभी बन पाओगे। कोई जबरदस्ती, कोई इतना नहीं है किसी के पास टाइम कि तुम्हें बार बार मोटिवेट करता रहेगा। तुम्हें खुद से बात करनी पड़ेगी, तुम्हें खुद से प्लानिंग करनी पड़ेगी, एंड यू विल बिकम ग्रेट प्रोग्रामर। ठीक है, तो इन चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट इज काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है यार। आज की डेट में ना इतने डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं। तो एक तो ना मुझे समझ नहीं आता, लोग इतना कूल बनने की कोशिश करते हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, कानों में गाने चल रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यार ऐसे थोड़ा मजाक थोड़ा चल रहा है, हमें लर्निंग फोकस से करनी पड़ती है। हम केवल DSNL को अगर सीख रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम सोचनी पड़ेंगी उसके पीछे क्या हुआ है, राइट। ईयरफोन में गाने साथ साथ थोड़ा सुन सकते हैं, वो तब करते हैं जब हमें सब कुछ आता है। अब हम बेसिकली टाइपिंग टाइप्स कर रहे हैं यार, अभी तो सीखने की उम्र है ना। सीखने के टाइम तो यार फालतू के डिस्ट्रैक्शन हटाओ, साइड में जब काम कर रहे हैं तो साइड में इंस्टाग्राम का टैब खुला हुआ है, फेसबुक का टैब खुला हुआ है, थोड़ी थोड़ी देर बाद वहां जा रहे हैं, फिर कभी फोन में किसी का कॉल आ रहा है उठा लिया, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं यार। इफ यू हैड स्टिक कि यार मैं इस टाइम पे ये करूंगा, तो 1.5 घंटा लग के कर लो ना उसको। उस टाइम पे किसी का कॉल आ रहा है उसको बोल दो यार अभी मैं बात नहीं कर सकता, मैं थोड़ा बिजी हूं। यार वो जब तुमने स्टिक कर लिया तो अपने डिस्ट्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। ये सब बहुत बेकार की चीजें हैं। ऑब्वियसली अपने लिए टाइम निकालो कि मैं इस टाइम पे देखूंगा, इस टाइम पे इंस्टाग्राम करूंगा, इस टाइम पे लिंक्डइन करूंगा। लिंक्डइन तो काफी सही टूल है, बट एक लिमिटेड टाइम के लिए करना है। सब चीजें लगे रहते हैं पूरे दिन, फालतू का डिस्ट्रैक्शन में चले गए हैं। तो ये सब चीजें डिस्ट्रैक्शन हमें अपनी लाइफ में बहुत कम करना होता है, हमें बहुत ज्यादा फोकस से चीजें सीखनी होती है। और जो हमारा पढ़ने का टाइम है, जो हमारा स्किल्स और लर्निंग का टाइम है, उस टाइम पे तो बिल्कुल इन डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो। अपने टैब में से खुले नहीं होना चाहिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के टैब्स जब हम सीख रहे हैं, बिल्कुल बंद कर दो, राइट। जब सीख लिया, जब हमारा फ्री टाइम है, ऑब्वियसली तब देखो। बट यार फालतू का साथ डिस्ट्रैक्शन के साथ काम नहीं होने वाला। एंड ऑब्वियसली ये सब मिथ है कि हम गाना सुन के कोड कर लेते हैं और ये सब कर लेते हैं, ये सब नहीं होता है। जब सीख रहे होते हैं ना तो बहुत फोकस से हमें सीखना होता है, बहुत दिल लगा के हमें सीखना होता है। जब तक वो दिमाग में चीजें ना जाए तब तक हमें सीखना नहीं आता। सो प्लीज मेक श्योर ये डिस्ट्रैक्शन अपनी लाइफ से हटाओ। जब तुम सीख रहे हो, जब बेसिकली टाइम मिले तब तुम इन चीजों को टाइम दो, बट ड्यूरिंग द लर्निंग टाइम बिल्कुल मत जाओ। ठीक है, लास्ट पॉइंट पे चलता हूं। ये तुम्हें एक एक्स फैक्टर बनाएगी टू बिकम अ ग्रेट प्रोग्रामर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में करना। तो क्या होता है, हमें कोई भी स्किल सीखनी है ना, उसके चैलेंजिंग पार्ट खुद से करना होता है। मतलब एक होता है एफर्ट डाल रहे हैं, हम बेसिकली सीख रहे हैं, बट एक एक्स्ट्रा एफर्ट वाली चीज आती है। एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब क्या होता है, अगर तुमने DSNL को सीखा, तुमने एक स्ट्रक्चर्ड पाथ से सीखा, जैसे मैंने पहले भी बोला है, तुम्हें उसके बाद 100 रैंडम क्वेश्चंस करने होते हैं, जो बेसिकली तुम्हें नहीं पता होगा कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम लगेगा, तुम्हें खुद से सोचना होगा। ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट से 100 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अगर वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो बेसिकली अगर तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, मान लो तुमने कोई इंस्टाग्राम का क्लोन भी बनाया, कुछ 2-3 फीचर्स ऐसे ऐड करने पड़ेंगे जिसका कोड कहीं पर नहीं है, जो तुमने खुद से करा है, खुद से दिमाग लगाया है कि मैं ये चीज खुद से करना चाहता हूं। वो चीज एक एक्स्ट्रा एफर्ट होती है। वो चीज जब तुम किसी को बताओगे ना इंटरव्यू में
कि यार ये देखो ये प्रोजेक्ट बनाया बट मैंने ये खुद से सोचा था इसमें, राइट। DSNL को में जब 100 रैंडम क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हारे को अंदर से आएगा कि हाँ यार मुझसे अब रैंडम क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं, राइट। ऐप डेवलपमेंट अगर कर रहे हो तो उसके अंदर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट जो कहीं पर कोड नहीं लिखा है, जो तुमने खुद से बनाया है कोड, वो जब चीज करते हो ना तब तुम्हारे अंदर एक फीलिंग आती है हाँ यार प्रोग्रामिंग मेरे लिए बनी। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखो, जो भी स्किल सीख रहे हो उसमें एक एफर्ट तो डालना ही है बट एक लास्ट में एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है जो तुम्हें स्टैंड आउट करेगा अमंगस्ट अदर प्रोग्रामर्स, और मैंने उसके एग्जांपल्स दे दिए हैं। प्लीज यू नो दिस कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब क्या है, अगर इसको अच्छे से फॉलो कर लोगे तो बहुत अच्छे प्रोग्रामर बनोगे। ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट वाला वर्ड है ना, ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है ड्यूरिंग अवर लर्निंग, है ना। ये मैंने ऐसे 5 रीजंस बता दिए हैं या बेसिकली 5 ऐसी गलतियां बता दी हैं जो लोग करते हैं और फिर अच्छे से सीख नहीं पाते एंड उसकी वजह से ग्रेट प्रोग्रामर नहीं बनते। ये 5 चीजें एक बार ही अपनी लाइफ में लग के ध्यान रख के कर लो, बहुत अच्छे प्रोग्रामर हो जाओगे, तो फिर मेरी तरह ही तुम किसी और को बता रोगे यार ये गलतियां मत कर लो, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर ये गलतियां ना करें, हम अच्छे से सीखो और अच्छे से अपनी स्किल्स अर्न करो एंड यू विल बिकम अ ग्रेट प्रोग्रामर, ओके। Thank you.